सभी चारों जितने भी स्क्रू ड्राइवर सभी डिस्क्रू ड्राइवर मैंने खोल दिया दोस्तों। तो अब मैं करता हूँ मोबाइल को ओपन दोस्तों। तो मोबाइल को करते हैं ओपन दोस्तों। इस इधर से मैं प्रेस करने के बाद मोबाइल ओपन हो जाए दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल को ओपन कर लिया दोस्तों। दोस्तों ये मोबाइल ओपन हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे ये कुछ काम किया हुआ मोबाइल दोस्तों, ये इस पर डिस्प्ले डाली है इसमें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे आज कि हम आज इसका ये जो रिसीवर है वो जो ए रिसीवर वो हम चेंज कर देंगे दोस्तों। तो हम करते ये स्पीकर जो वर्क नहीं कर रहा है, इसकी आवाज़ वो बहुत सर सर रहा है। कस्टमर बोल रहा था कि मेरी बराबर आवाज़ नहीं आ रही। तो इसका माइक तो ओके दोस्तों, बट इसका जो एयर स्पीकर वो ख़राब हो चुका है दोस्तों, जिससे उसकी उस बंदों का आवाज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही, उसको सुनाई नहीं दे रही, खर खर आवाज़ आ रही दोस्तों। तो हम सिंपली इस स्पीकर को चेंज करने वाले दोस्तों। तो स्पीकर को हम चेंज कर रहे हैं दोस्तों। ये रहा स्पीकर दोस्तों, बताओ ये स्पीकर हम चेंज करने वाले दोस्तों। ये स्पीकर जो कि चल भी नहीं रहा और इसकी आवाज़ बहुत खर खर आ रही है दोस्तों। तो चलो इसको हम बदल देते हैं दोस्तों। ये स्पीकर को हम बदल देते हैं दोस्तों, और इसकी जगह हम स्पीकर एक नया स्पीकर लगाएंगे इसके अंदर जो वर्क करेगा दोस्तों। और ये स्पीकर बाजार में मिल जाएगा। फिलहाल मेरे को ये स्पीकर मिला नहीं, बट ये मैं दूसरे के फ़ोन से निकाल के डाल रहा हूँ दोस्तों। तो आपके पास हो तो आप ये स्पीकर को डाल देना, और जो जैसा मैं रख रहा हूँ वैसे ही आप इसको स्पीकर रख देना। ये स्पीकर की प्राइस बिल्कुल महंगी नहीं दोस्तों, और आप कुछ नहीं करना है, आपको ये स्पीकर चेंज करना है। और देखा जाए तो ये स्पीकर चालू है, बट इसमें क्या है कि आवाज़ सही नहीं आ रही, मतलब खर खर आवाज़ आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो ये था कि यहाँ पे वो फट चुका दोस्तों, जिसके कारण आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया कि स्पीकर इसका चेंज कर दिया दोस्तों, जो ईयर स्पीकर बोलते हैं वो चेंज कर दिया, जिससे कि ये कि आवाज़ यहाँ पे क्लियर आएगी। तो करते हैं मोबाइल को पैक दोस्तों, और फिर हम चेक करते हैं कि आवाज़ कैसी आ रही है। तो हम मोबाइल कर देते पैक, और आपको चेक भी करा देंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है। सिंपल ये ऊपर से कभी भी पैक करो इस मोबाइल को, तो ऊपर से ही पैक करना दोस्तों, क्योंकि तो अच्छा फिटिंग होगा। ऊपर से कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, आपको जहाँ से ठीक लगे वहाँ से कर देना। मैं ऊपर से करता हूँ पैक। ये हो गया मोबाइल पैक दोस्तों। अब हम बारी इसकी चेक करने की, आखिर ये स्पीकर जो मैंने लगाया है इसके अंदर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों, हम वो चेक कर लेंगे दोस्तों। ये बैटरी इसकी जियो की, और ये हम चालू करते फ़ोन को। ये लगाया बैटरी और ये फ़ोन को हम चालू करते दोस्तों। फ़ोन चालू हो चुका है दोस्तों। अब हम चेक करते हैं कि इसका एयर स्पीकर जो मैंने डाला है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों। तो जल्दी से कर लेते हैं मोबाइल को इस चालू। तो दोस्तों मोबाइल जियो का फ़ोन चालू होने में देर लगता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी तरह के वीडियो मेरे इस चैनल पर मिलेंगे, जियो के रिलेटेड या किसी भी मोबाइल से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी दोस्तों। तो इस ये मोबाइल ओपन हो रहा दोस्तों। ये जियो का फ़ोन क्या है कि बहुत टाइम लेता है दोस्तों चालू होने में, बट ये फ़ोन टाइम लेता है दोस्तों। तो चालू होगा दोस्तों। चालू होने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका एयर स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आवाज़ आ गई, और हम चेक करते हैं कि इसका एयर स्पीकर काम करता है या नहीं करता दोस्तों। तो हम सीधा कंपनी को कॉल लगाते हैं। एक दो तीन चार। देखो दोस्तों, देखिए इसमें आवाज़ अभी भी आप क्लियर आ रही है दोस्तों। पहले जो आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल ख़राब एकदम सर्राट आवाज़ आ रही थी, जो कस्टमर को परेशान कर रही थी। तो मैंने स्पीकर एयर स्पीकर चेंज कर दिया, अब इसकी आवाज़ बहुत क्लियर है दोस्तों। आपको सुनाता हूँ। दोस्तों देखिए एक दबाएं जियो फोन में जियो ट्यून के बारे में जानकारी के लिए। दोस्तों आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों, और ये मोबाइल बिल्कुल अब ओके हो गया। आप ये कस्टमर को दे सकता हूँ, और उसके बाद जितना भी हो उतना चार्ज मिल सकता हूँ दोस्तों। तो सिंपली आपको भी सिंपल स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है, नॉर्मली फ़ोन को खोलना है। और आपको अगर आवाज़ ख़राब ख़राब आए, आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आए, तब इसको रिंगर को आप जो एयर स्पीकर को आप चेंज कर देना।
और आपके प्रॉब्लम जो है आवाज़ खराब आने के वो सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर देना दोस्तों, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।